नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं मयंक गौड़। पाकिस्तान में लगातार आतंकियों की मौत हो रही है। एक के बाद एक मौतों के बाद कभी खुद ही बेखौफ होकर चलने वाले, डर को अपनी बंदूक की नोक पर रखने वाले आतंकी पाकिस्तान में ही अब डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं से कोई अनजान आएगा और सलाम भाईजान कहकर एक गोली सर में उतार देगा। यही कारण है कि अब वे सिक्योरिटी के बिना कहीं नहीं जाते। उनके साथ एक बड़ा सुरक्षा दस्ता भी चलता है, यानी कि ये खौफ है और ये खौफ अच्छा है। अब आतंकियों की इस मौत की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। जी हाँ, पाकिस्तान में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के प्रमुख लखबीर सिंह रोहड़े की पाकिस्तान में मौत हो गई है। ये आतंकी 72 साल का था। बताया जा रहा है कि लखबीर सिंह रोहड़े जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा था, जिसे UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक व्यक्तिगत आतंकी के रूप में लिस्टेड किया गया था, जिसके बाद वो पाकिस्तान भाग गया था। इस मौत की पुष्टि के बाद लखबीर सिंह रोहड़े के भाई और अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि लखबीर सिंह रोहड़े कई भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। लखबीर पर साल 1985 में इंडिया जेट पर बमबारी के भी आरोप थे। इसके अलावा साल 2021 में लुधियाना कोर्ट में हुए जोरदार धमाके का वो मुख्य साजिशकर्ता था। इस धमाके में एक व्यक्ति और 6 लोग घायल हुए थे। वो भारत और खासतौर पर पंजाब में शांति भंग करने का प्रयास करता रहता था। हाल ही में मोहाली में NIA ने भी रोहड़े के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। विशेष अदालत ने पंजाब के मोगा जिले में नामित आतंकवादी लखबीर सिंह की जमीन को जब्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद NIA ने कार्रवाई की। ये जमीन मोगा जिले के बाघा पुराना तहसील के हालसर के पास कोठे गुरुपुरा गाँव की है। आपको बता दें, लखबीर सिंह रोहड़े के भाई जसबीर सिंह ने उसकी मौत की पुष्टि की। जसबीर सिंह ने कहा, मुझे मेरे भाई लखबीर के बेटे ने जानकारी दी कि पाकिस्तान में लखबीर की मौत हो गई है और अंतिम संस्कार भी वहीं करा दिया गया है। उन्हें डायबिटीज था और उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान में भारत के आतंकियों का खात्मा हो रहा है, और जो भारत के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।